सो हेलो गाइज, वेलकम टू गुडविल एजुकेशन, वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर अकेडमिक्स। और आज हम करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 का Part-2 लॉ स्प्रिंग्स, जिसका नाम है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। और मैं स्वागत करता हूं आपका अपनी सीरीज 10 डेज प्लेज के अंदर, जिसमें आप लाने वाले हो अपने 12th क्लास इंग्लिश के अंदर मैक्सिमम मार्क्स, टॉप करने वाले हो आप, बवाल करने वाले हो आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, लेकिन उससे पहले नीचे जितने भी स्टेप्स गिवन हैं उनको जरूर फॉलो करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक चीज को चेक करो, और हाँ, इस रिवीजन सीरीज की प्लेलिस्ट को भी जरूर चेक कर लो अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप इस चैप्टर को कंटेंट वाइज, और नीचे से आई होप आपने पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लिया है। तो गाइज, अब होता क्या है, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं फिरोजाबाद के बारे में। जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम दो प्लेसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, पहली सीमापुरी और दूसरी फिरोजाबाद। तो हम फिरोजाबाद के बारे में पढ़ने वाले हैं। और जैसा कि फर्स्ट पार्ट के अंदर एक लड़के के बारे में हमने पढ़ा था जिसका नाम साहिब आलम है, इस पार्ट के अंदर भी हम एक लड़के के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम मुकेश है। आप देख सकते हो पहली लाइन, मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस। तो इसका मतलब क्या है, देखो, अब साहिब आलम की अगर हम बात करें तो वो एक्सेप्ट कर चुका है अपनी रैफिकिंग को, उसे वहीं पे प्लेजर मिलता है। जब वो काम करने लग जाता है तो उस टाइम पे उसे वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन यहाँ पे जो मुकेश है, ही वॉन्ट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, ही डजंट वॉन्ट टू बी अ बैंगल मेकर, वो बैंगल मेकर नहीं बनना चाहता, नहीं रहना चाहता। आपको ध्यान रखना है दोनों में पैरेलल है, कहीं ना कहीं दोनों में कॉन्ट्रास्ट है, डिफरेंस है कि दोनों के दोनों एक दूसरे से अलग है, दोनों की अप्रोच अलग है। अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन गाइज यही अराइज होता है कि मुकेश का क्या ड्रीम है। तो मुकेश एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है जो कि फिरोजाबाद का रहने वाला है। अब अगले पार्ट पे आते हैं गाइज, फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन। अब यहाँ पे ध्यान रखो, दूसरा क्वेश्चन हमारा जो आता है वो है व्हाई इज फिरोजाबाद फेमस। तो फिरोजाबाद इज फेमस फॉर बैंगल मेकिंग, इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, यहां से जो विमेन है ऑल ओवर इंडिया उनको बैंगल्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं, और कहीं ना कहीं ये एक ऐसी प्लेस है जहां से ऑल ओवर इंडिया एक्सपोर्ट किया जाता है बैंगल्स का। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना पैराग्राफ को। अब अगले वाले पैराग्राफ पे आते हैं हम, None of them know that it is illegal for children like him to work in glass furnaces with high temperature in dingy cells without air and light, that the law if enforced could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces. अब ये टेक्स्ट आपका एनसीईआरटी का ही है, आप चाहो तो एनसीईआरटी बुक को भी फॉलो कर सकते हो सिक्वेंस के अंदर। और मैंने टेक्स्टुअली इसलिए बनाए हैं सारी की सारी चीज़ें क्योंकि आपकी जो की होती है बोर्ड की आंसर शीट की जो की होती है उसमें टेक्स्चुअल पॉइंट्स ही होते हैं आपके जो एनसीईआरटी से आते हैं। अगर आप ये एनसीईआरटी के पॉइंट्स लिखेंगे तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे, आपको ये मानना होगा। तो गाइज, इस पॉइंट में हमारे को ये बताना है कि क्या वो हैजार्ड्स हैं जो एक बच्चे को या किसी भी बड़े को फेस करने पड़ते हैं अगर वो बैंगल इंडस्ट्री में फर्नेस के सामने काम करता है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि उन्हें एक्सपोज होना पड़ता है हाई टेम्परेचर में, जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। दूसरी चीज़, वहाँ पे उनकी जो आई साइट होती है वो डार्कनेस में ज़्यादा एडजस्टेड होती है एज कम्पेयर टू लाइट आउटसाइड, इसीलिए वो अपनी आई साइट को बहुत जल्दी लूज कर देते हैं। तो यहाँ पे 20,000 जो बच्चे हैं फिरोजाबाद में, 20,000 से ज़्यादा बच्चे जो हैं उनको यहाँ पे काम करना पड़ता है या फिर वो खुद वहाँ पे काम करते हैं, और अगर लॉ को एनफोर्स किया गया तो इन सारे बच्चों को बाहर निकाला जा सकता है। क्यों? क्योंकि बच्चों के लिए ये इल्लीगल है कि वो हाई टेम्परेचर में या फर्नेसेस पे काम करें। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं गाइज, यहाँ पे वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चोक विद गार्बेज पास्ट होम दैट रिमेन हॉवल्स विद क्रमलिंग वॉल्स वॉबली डोर नो विंडोज क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन अ प्रेमेबल स्टेट। तो यहाँ पे क्या बताया गया है हमारे को, यहाँ पे ये बताया गया है हमारे को कि किस तरीके की जगह है फिरोजाबाद। तो अगर फिरोजाबाद का डिस्क्रिप्शन आएगा तो वो लॉन्ग आंसर के अंदर आएगा। तो फिरोजाबाद पहले आप पूरा बता दो कि भाई फेमस है बैंगल मेकिंग के लिए, या 20,000 से ज्यादा बच्चे काम करते हैं, सेंट्रल इंडिया के ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का, ये सारी की सारी बात आ जाएंगी। उसके बाद ये वाला पॉइंट ये है कि अगर जो एनएस जंग है वो मुकेश के साथ उसके घर पे जाती है, जिसको वो प्राउडली रीबिल्ट कहता है, रेनोवेटेड कहता है, लेकिन बाद में एनएस जंग को पता चलता है कि वो भी एक हाफ बिल्ट शैक है, आधा बना हुआ घर है। तो रास्ते में उसे क्या दिखाई देता है, रास्ते में उसे पास्ट होम्स दिखाई देते हैं, पुराने पुराने घर, उनके जो वॉबली डोर्स होते हैं, क्रम्बलिंग वॉल्स, गिरती हुई दीवारें, और यू नो गलियां इतनी छोटी छोटी नैरो लेन्स होती हैं, स्टिंकिंग होती है, बदबूदार, चोक्ड विद गार्बेज, और वहाँ पे ह्यूमंस एनिमल्स की फैमिली एग्जिस्टिंग मैनर में रह रही है, गाय भैंस बंधी हुई है। तो आप इमेजिन कर सकते हो बहुत ही प्रिमेबल स्टेट है, बहुत ही ज़्यादा प्रिमेबल। तो ये हमारा डिस्क्रिप्शन में आ सकता है। हालांकि इसका ब्यूटीफुल वाला जो पार्ट है फिरोजाबाद का वो ये है कि वहाँ पे हर एक गली कूचे नुक्कड़ चौराहे घर के अंदर बाहर सब जगह आपको हर एक रंग की चूड़ियां नजर आती हैं, जो बहुत ही सुंदर नजर आती हैं आपको, ठीक है। तो ये इसका अच्छा वाला पार्ट भी है।
अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं गाइज, ये है, इट इज हिज करम हिज डेस्टिनी सेज मुकेश ग्रैंड मदर हु हैज वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स. अब देखो, हो सकता है कि एनएस जंग गई होगी मुकेश के घर पे और वहां पे उसकी जो दादी है उससे पूछा होगा कि आपके बेटे ने और कोई काम करने की कोशिश नहीं की, तो उस टाइम पे उसकी दादी ने बोला होगा कि इट इज हिज करम हिज डेस्टिनी, मतलब ये उसका करम है, उसका भाग्य है और यही काम है उसका, क्योंकि भाई उसका जन्म जो है बैंगल मेकर की कास्ट में हुआ है तो वो कोई और काम कैसे कर सकता है भला. तो यहाँ के लोग अनएजुकेटेड है, उनको ये लगता है कि हमारा प्रोफेशन अगर बैंगल मेकिंग का है, हमारा जन्म अगर एक बैंगल मेकर की कास्ट में हुआ है तो हमें यही काम करना है. और कहीं ना कहीं उनके खुद के जो पति हैं वो बैंगल को पॉलिश करते करते ही अंधे हो गए. और वो ये भी कहती है, देखो लिखा है, एक और लाइन लिखी है, कैन अ गॉड गिवन लीनेज एवर बी ब्रोकन, जो भगवान ने आपके भाग्य में लिखा है क्या बदल सकते हो. तो उनका ये बिलीफ है कि यार भाग्य में जो लिखा है वही मिलना है हमारे को. समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पे ब्यूटीफुल वाला पार्ट भी गाइस गिवन है, जो मैंने बताया था, इन द हाउस द यार्ड इन एवरी अदर हाउस एवरी अदर यार्ड एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद स्पायरल्स ऑफ बैंगल आपको दिखाई देंगे. अलग अलग कलर्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, इन कलर्स के बैंगल्स. तो ये ब्यूटीफुल वाला पार्ट है, हैंड कार्ड के अंदर दिखेंगे आपको, इसके अलावा घरों में दिखेंगे लगे हुए. तो इस पूरे के पूरे टेक्स्ट को आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा. अब इससे अगले पैराग्राफ पे आते हैं गाइस. अब यहाँ पे एक और लाइन लिखी है, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया शी सेज. अब होता क्या है, जब राइटर जो है वो घूम रही होती है बाहर, तो उसे एक लड़की भी दिखाई देती है, सविता, जो छोटी होती है एज में, लेकिन उसके हाथ मैकेनिकली चल रहे होते हैं और वो शौक होती है देख के कि इतनी छोटी एज में इतनी तेजी से काम कैसे कर रही है. इसका मतलब कि बहुत बचपन से ही कर रही है वो, बहुत छोटी एज से ये काम कर रही है, इसीलिए मशीन की तरह उसके हाथ चल रहे हैं. और उसके साथ में एक वुमेन भी बैठी हुई होती है जो बूढ़ी होती है, उसके हाथों में अभी भी बैंगल्स हैं. तो उससे बातचीत करने पर वो कहती है कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, मतलब इतनी मेहनत करने के बाद एक वक्त का खाना भी भरपेट नसीब नहीं होता हमारे को, तो सोचो कितना काम आता होगा. वैसे चूड़ियां तो यार बहुत बिकती हैं, है ना, फिर भी इनको इतना मुनाफा नहीं होता, तो कहां जा रहा है ये सारा का सारा पैसा? ये पैसा जा रहा है उन साहूकारों की जेब में, मिडिल मैन की जेब में, जो तगड़ा मुनाफा कमा रहे हैं, और इन लोगों को कुछ नहीं मिल रहा. इनको क्या मिल रहा है? बाबा जी का बोलो ठुल्लू. तो अब यहां पे एक क्वेश्चन आता है, व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज योरसेल्फ इनटू अ कोऑपरेटिव. मतलब जो एनएस जंग है वो ये कहती है कि तुम अपने आप को ऑर्गेनाइज क्यों नहीं करते, अपना कोई कोऑपरेटिव क्यों नहीं बनाते, मतलब यंग मैन से बोलती है कोऑपरेटिव क्यों नहीं बनाते, कोई ऐसा संगठन क्यों नहीं बनाते जो मिलके तुम्हारे को इस दलदल से बाहर निकाले, यहाँ से बाहर निकाले. तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो लोग हैं वो अनएजुकेटेड है, इलिटरेट है, उनको अपनी राइट्स के बारे में पता नहीं है, उनको लगता है अगर हम आवाज उठाएंगे, कोई आवाज उठाएगा, तो ये इलीगल होगा इस काम से दूसरे काम को करना, क्योंकि दे थिंक दैट वी आर बैंगल मेकर, वी हैव टू प्रोड्यूस बैंगल्स ओनली. इसीलिए वो लोग कभी भी कोई दूसरा काम करने की नहीं सोचते, क्योंकि अगर वो ऐसा सोचेंगे तो एक डेयर करना होगा, हिम्मत करना होगा, और हिम्मत का जवाब क्या होता है, समझ ही गए होगे आप. ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये परेशान रहते हैं, वो कहते हैं अगर हमने ऑर्गेनाइज किया तो हमें पुलिस पकड़ लेगी, जेल में डाल देगी, घसीट के ये हो जाएगा वो हो जाएगा. हाँ ठीक है. और यहाँ पे ये भी लिखा है, देखो देयर इज नो लीडर अमंग देम, कि हमारे अमंग कोई भी लीडर नहीं है जो हमारी हेल्प करे और चीज़ों को अलग तरीके से देखे, हमारे फादर भी वैसे ही थे जैसे हम हैं. तो लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं गाइस, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी एंड वन द अदर वीशियस सर्कल ऑफ साहूकार मिडिलमैन पुलिसमैन. मतलब यहाँ पे एनएस जंग कहती है कि मुझे दो वर्ल्ड दिखाई देते हैं, एक उन लोगों का जिनको सताया जा रहा है, जिनको एक्सप्लॉयट किया जा रहा है, बैंगल मेकर्स की फैमिली, और दूसरा वर्ल्ड जो इनको सता रहे हैं, मतलब ऑपरेसर. इट मीन्स यहाँ पे वर्ल्ड दिखाई दे रहा है किसका, बेसिकली मिडल मैन का, साहूकार का, जो पैसे देते हैं मिडल मैन, जो बिचौलियन के सामान को बेचते हैं, पुलिसमैन, पॉलिटिशियन, ये सारे के सारे मिलके क्या कर रहे हैं, इनकी समझ जाओ. ठीक है, और इन सब ने मिलके क्या कर रखा है, बैगेज जो है ना उसको इम्पोज कर रखा है. टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन चाइल्ड, मतलब बच्चों के ऊपर लोगों के ऊपर एक बैगेज, एक बर्डन जो है वो भर दिया है, और बेचारे ये ऊपर उठ ही नहीं पा रहे हैं. एंड डेरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप. और सीमा फिरोजाबाद में जो डेरिंग है, हिम्मत करना, ये वहाँ के जीवन का कोई हिस्सा नहीं है. ठीक है, लेकिन राइटर जो है जब मुकेश के अंदर ये देखती है कि भाई वो कह रहा है I want to be a motor mechanic, तो उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि कम से कम वो तो सोच रहा है कुछ. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही, फिरोजाबाद फेमस क्यों है, फिरोजाबाद का डिस्क्रिप्शन कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना रहे हैं, ये सब गाइस इंपॉर्टेंट है. तो आई होप आपको समझ आया होगा. दूसरी चीज मैं यही कहूंगा, देखो यहाँ पे मैंने मैसेज भी लिखा है सबसे आगे नोट्स के अंदर, कि व्हाट्सएप मी ऑन 8799733077, और ये लिखना है आपको, आई वॉन्ट टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन इंग्लिश. तो मैं आप लोगों को टिप्स दूंगा
बताऊंगा कैसे करने हैं कैसे नहीं करने हैं। तो आप जल्दी से जल्दी मुझे मैसेज जरूर करो, और यूजर नेम है मेरा सुमित सेमिनार्स इंस्टाग्राम का, उस पर लेटेस्ट स्टोरीज अपडेट्स आपको मिलेंगी कोर्स को लेके और चीजों को लेके, तो मुझे जल्दी से फॉलो कर लो। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यू आर वॉचिंग 10 डेज प्लेज इन इंग्लिश बाय सुमित ठाकुर। सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को गाइज।